गुड मॉर्निंग गाइज, हमारे एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गर्मियां आ चुकी हैं, बहुत सारे लोग समर कलेक्शन का वेट कर रहे हैं, सबको अब समर की शॉपिंग करनी है। तो आज की जो वीडियो है ना, आई एम डैम श्योर आपको बहुत पसंद आई है, क्योंकि कलेक्शन जो मैंने चीजें दिखाई है वो एक तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, यूजफुल है, और उससे आपका आइडिया लग जाएगा कि आपको किस लोकेशन से क्या शॉपिंग करनी है, कहाँ पे किस शॉप पे किस तरीके का स्टफ मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें भी दिखा होंगे, बट एग्जैक्टली कौन सी चीज कहाँ पे अच्छी है, किस शॉप पे कैसा कलेक्शन चल रहा है, वो जानना भी बहुत जरूरी है। उसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक डिटेलिंग में फुल वीडियो बनाई है, जिसमें हम लोकेशन के साथ साथ किस रेट पे क्या चीज मिल रही है, किसका स्टफ कैसा है, कंपैरिजन के साथ बताएंगे। तो आज की वीडियो को पूरा देखना मत भूले। जितने भी नए लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। गेट नंबर 3 के पास ही सब्जी मंडी वाली लाइन में जब आप थोड़ा सा आगे की तरफ चलोगे ना, आपको 50 रुपीज की रेंज में ऑक्सीडाइज रिंग मिल जाएंगी, 50 रुपीज में पेन मिल जाएंगे, छोटी छोटी सिंदूर की डब्बियां मिल जाएंगी, 200 रुपए में आपको पूरा का पूरा वो मल्टी लेयर बॉक्स मिल जाएगा। तो छोटी छोटी ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि हर किसी के घर में यूज होती हैं। अगर आप अपने लिए क्रॉप टॉप ढूंढ रहे हो तो काफी सारी शॉप ऐसी थी सब्जी मंडी वाली लाइन में भी, एक्सपोर्ट लेन में भी, जहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ है टी शर्ट का। इनकेस अगर मैं प्राइस बताने के चक्कर में, लोकेशन बताने के चक्कर में शॉप नंबर बताना भूल जाती हूँ, तो आप डिस्प्ले पे लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर पे ऊपर देख सकते हो शॉप का नंबर, या फिर जो आसपास की लोकेशन है वो आपको नजर आ जाएगी। 200-200 रुपए की रेंज में आपको बहुत ही ट्रेंडी क्रॉप टॉप मिल जाएंगे, साथ ही में सेम प्राइस रेंज में 200 रुपीज की रेंज में आपको जैक एंड जॉन्स की या फिर विंटेज टी शर्ट, मार्वल की टी शर्ट, डिज्नी ब्रांड की टी शर्ट आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, वो भी सिर्फ 200 रुपीज में। और एक्सपोर्ट लेन में अगर आप सिंपली एक लेन को भी कवर करते हो और आपको सिर्फ टी शर्ट्स या फिर अंडर गार्मेंट्स वगैरह चाहिए है ना, तो वो आपकी एक्सपोर्ट लेन में ही सारी शॉपिंग हो जाएगी। शॉप नंबर 124 था, काफ़ी अच्छी शॉप थी, 200 रुपीज की रेंज में आपको ब्रा की जो सेल यहाँ पे नज़र आ जाएगी। आपने बोर्ड भी देख लिया होगा कि प्राइस रेंज क्या थी, आप साइज़ के अकॉर्डिंग अपने कलर, जैसा कलर आपको पसंद है आप उस हिसाब से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से अंडर गारमेंट्स की भी शॉपिंग कर सकती हूँ। शॉर्ट्स वगैरह समर में बहुत ज़्यादा बिकती है, लोग पहनना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मॉडने के पास में ही मेरी नज़र इस वाली शॉप पे पड़ी, जिसपे डेनम के साथ साथ जो आपकी फॉर्मल ट्राउजर्स होती है 200 रुपए की रेंज में वो भी मिल जाएंगे। डेनम का जितना भी मटेरियल होता है ना 200-250 रुपए की रेंज में होता है, डेनम की जैकेट 300-350 रुपीज़ की रेंज में मिलेगी। शॉप के एग्जैक्ट नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये शॉप नंबर 139 पड़ती है, और ये वाली शॉप पड़ेगी एक्सपोर्ट लेन में ही, मॉडने के जस्ट अपोजिट में, आप शॉप को ढूंढ सकते हो। तो मॉडनी इंसेंस दोनों ही अगल बगल में है, एक्सपोर्ट लेन में है। अब बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनको नहीं पता होगा एक्सपोर्ट लेन कौन सी है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। शॉप नंबर आपने ऊपर देखा, प्राइस आप देख लीजिए 250 रुपीज की रेंज में, 300 रुपीज की रेंज में आपको काफ़ी अच्छी बेल्ट नज़र आ जाएंगी, जिनको आप अपने एथनिक वियर, वेस्टर्न वियर दोनों के साथ पेयर अप करके पहन सकते हो। चीज़ें बहुत अच्छी आई हुई है मार्केट में, समर कलेक्शन काफ़ी बढ़िया आया हुआ है, जॉर्जेट के टॉप आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी देखने को मिलेंगे। बेल्ट वगैरह हर किसी को पसंद होती है, हर किसी की वार्डरोब में होती है, अगर आपके पास बेल्ट्स की थोड़ी सी शॉर्टेज हो रही है, आपको अलग अलग डिज़ाइन खरीदने हैं, तो सरोज नगर एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ से चीज़ें बहुत ही सस्ते रेट पे काफ़ी अच्छे डिज़ाइन की आपको मिल जाती है। तो आपके अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो सरोज नगर मार्केट में 100 रुपये से टॉप मिलना शुरू हो जाता है, बट कुछ कुछ शॉप होती है जिसपे प्रॉपर सेल चली होती है 200-200 के टॉप की। तो ये वाली शॉप थी 185, आपने शॉप नंबर देखा ही होगा ऊपर डिस्प्ले पे, डिजाइन भी आप एक बार देख लीजिए किस तरीके के डिजाइन रहेंगे। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मेरे से पूछते हैं कि क्या मैम डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल तक की भी शर्ट टी शर्ट टॉप मिलते हैं? ऑफकोर्स मिलते हैं, और मैं अपनी आने वाली वीडियो में प्लस साइज जो रहते हैं ना उन पे भी आपको टी शर्ट्स वगैरह दिखाऊंगी, टॉप वगैरह दिखाऊंगी, ताकि जो मेरे प्लस साइज व्यूअर हैं उनको भी एक आइडिया लग जाए कि आप सरोज नगर आओगे तो आपको किस तरीके के ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आप आपने देख लिया, मे भी आपको इस वाली शॉप के टॉप पसंद आए हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा जो शॉप आपको दिखाई जाए नेक्स्ट टाइम आप उस पर जाओ तो आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा स्टफ मिले। प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि चीज़ें बदलती रहती हैं और स्टफ भी चेंज होता रहता है, तो अलग अलग शॉप को एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सपोर्ट लेन में ही आप
आपको 250 और 300 रुपीस की रेंज में फुटवेयर नज़र आ जाएंगे। फेदर वाले 250 रुपीस की रेंज में थे और ये वाली जो स्लीपर्स थी ना, ये 200 रुपए की रेंज में थे, 100 रुपीस की रेंज में बच्चों के स्लीपर्स थे। तो अभी मानसून आएगा, समर आ चुके हैं, तो इस तरीके के फुटवेयर्स में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी देखने को मिलेगी। अब देखिए अलग अलग डिज़ाइन आ रहे हैं। अगर आपने पिछले साल समर की शॉपिंग करी होगी और इस वाले समर कलेक्शन को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप पाओगे फुटवेयर्स में काफ़ी ज़्यादा नई वैरायटी आई है, टॉप में काफ़ी अच्छी वैरायटी आई है। मॉडर्नी और इंसेंस के जस्ट अपोजिट ये वाली शॉप पड़ती है। इस पर 200 रुपीज़ की टी शर्ट मिल रही थी। टी शर्ट भी इनके पास ओवर साइज नॉर्मल साइज की थी, काफ़ी अच्छे प्रिंट थे, मुझे बहुत पसंद आए। आपको प्लेन सिंपल सोबर सी टी शर्ट चाहिए वो भी आपको सेम प्लेस पे मिल जाएगी। तो बहुत सारी शॉप ऐसी है जिन पे टी शर्ट्स की तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि अगर आप टी शर्ट लवर हो ना तो आप पागल हो जाओगे कि कौन सी टी शर्ट लें कौन सी ना लें, क्योंकि वैरायटी इतनी ज़्यादा आई हुई है, कलर ऑप्शंस इतने ज़्यादा अच्छे, लाइट ब्राइट और डार्क कलर में आपको बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, कार्टून प्रिंट्स देखने को मिलेंगे। और जो प्रिंट था ना वो भी इतना ज़्यादा अच्छा था, ये न्यूयॉर्क वाली टी शर्ट ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और सेम शॉप पे जितनी भी टी शर्ट मैंने देखी ना, सीरियसली सब एक से बढ़ के एक थी। आप मतलब कंपेयर नहीं कर पाओगे कि कौन सा लूँ और कौन सा ना लूँ। तो आपको एक फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी हेल्प कर सके। एक्सपोर्ट लेन में ही आप मिड में जब पहुँचोगे ना, PNB बैंक का जो ATM है उसके जस्ट बगल में ही 150 रुपीज़ की शर्ट मिल रही थी। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट मैं अपना रिव्यू दूँ कि आप जब पास से देख रहे थे तो मुझे कैसा फील हो रहा था, टी शर्ट्स कैसी, शर्ट कैसी थी, उनका स्टफ़ कैसा था, टू बी ऑनेस्ट मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। अगर मुझे अपने लिए डेनिम की शर्ट लेनी होगी तो एक्सपोर्ट लेन में, बिग सी लेन में बहुत सारी शॉप ऐसी जो प्रॉपर डेनिम का स्टफ़ रखती है। जैसे एक्सपोर्ट लेन में हो तो शॉप नंबर 190 पे जा सकते हो, साउथ स्क्वायर की तरफ शॉप नंबर 136 है, जिन पे आपको काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। शॉप नंबर 192 ओम ऑप्टिकल, गेट नंबर 2A के जस्ट सामने वाली रो में ओम ऑप्टिकल पड़ता है, जहाँ पे क्लोविया का भी शोरूम है। उसी लाइन में एक केमिस्ट की शॉप से नेक्स्ट शॉप पड़ती है शॉप नंबर 192, वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा 200 रुपीस के टॉप का टी शर्ट का कलेक्शन लगा हुआ था। जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो टॉप और ज्यादा अच्छे थे, बट नो डाउट अब भी हैंगर में इतने ऑप्शंस थे कि अगर आप अपने लिए 2-3 टॉप अच्छे अच्छे निकालना चाहते हो ना तो आप मोर देन 3 टॉप तो चूज कर ही लोगे। मतलब इतने अच्छे टॉप लगे हुए थे, ऐसा नहीं था कि कुछ भी इन्होंने लगा के रखा था। साथ ही में इनका टी शर्ट का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। टी शर्ट्स तो आपको ना अब जगह जगह देखने को मिल जाएगी, तो आई डोंट थिंक सो कि टी शर्ट्स का कलेक्शन ढूंढने में किसी को प्रॉब्लम होगी। फिर भी अगर किसी को कुछ नहीं मिलता है तो आप एक्सपोर्ट लेन चली जाइए, हर एक शॉप को एक्सप्लोर करिए, आपकी ढेर सारी शॉपिंग एक ही लेन से हो जाएगी। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर आप शांति से शॉपिंग करना चाहते हो, बिना किसी भड़क के बढ़िया स्टफ चूज करना चाहते हो, तो आपको जाना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग से मेरा मतलब है कि आप अराउंड 10:30 मार्केट पहुंच जाइए और 12:30 तक निकल जाइए। 12 बजे तक तो आपकी बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाएगी। सनग्लासेस, शेड्स वगैरह हर किसी को पसंद होता है, समर हो या विंटर हो, हर किसी को फोटो खिंचवाने के लिए, बाहर घूमने के लिए शेड्स चाहिए होते हैं। तो 150 रुपीज़ की बहुत ही बढ़िया सेल चल रही थी। नॉर्मली अगर आप इस तरीके के शेड्स देखोगे ना शॉप नंबर 55 पे, वो आपको अराउंड 200-250 रुपीज़ की रेंज में देखने को मिलेंगी। बट इन्होंने एक काफ़ी अच्छा ऑफर दिया हुआ था 150 रुपीस का, जिसमें नंबर ऑफ शेड्स थे जो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। ये वाली जो शॉप पड़ती है ना, अगर मैं मोटा मोटा आपको समझाऊं डायरेक्ट डायरेक्शन, तो आप जो गोडाउन वाली शॉप है उसके जस्ट अपोजिट में थी ये। काफ़ी अच्छे आपको ऑप्शंस एक्सपोर्ट लेन में भी देखने को मिल जाएंगे। शॉप नंबर 125 के ही बिल्कुल बगल में बहुत सारे साथ में ही हैंगर लगे हुए थे, जिन पे आपको नाइट वियर का पूरा कॉम्बो देखने को मिल जाएगा, और वो भी 250 रुपीज़ की रेंज में। अगर आपको मैक्सी लेनी है वो भी आपको सेम प्राइस पे पड़ेगी, और टॉप और शॉर्ट्स या फिर लोअर लेने वो भी सेम प्राइस पे पड़ेंगे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं, नाइट वियर से लेके इनर वियर, टॉप, जीन्स, हर तरीके की वैरायटी आपको इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी कलरफुल देखने को मिलेगी। वाइब्रेंट चीज़ें हर किसी को पसंद होती है, तो अगर आपको भी वाइब्रेंट कलर्स पसंद है
तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा वैरायटी है मार्केट में। 200-200 रुपए की जीन्स मिलती है, नो डाउट। जो लोग पतले हैं उनके लिए तो बहुत वैरायटी है 200 रुपए में, बट जो लोग थोड़े हेल्दी हैं, जिनकी वेस्ट साइज 32, 34, 36 है, उन लोगों को मैं सजेस्ट और रिकमेंड करूंगी कि आप वो शॉप से शॉपिंग करें जहाँ पे 300-350 की जीन्स मिलते हैं, क्योंकि वो आपको क्वालिटी तो देंगे ही देंगे और आपको प्रॉपर साइज भी मिलेगा। और ये सब शॉप्स ना जहाँ पे 350 की चीज़ें मिलती है, वो गोडाउन वाली शॉप, शॉप नंबर 139, 136, 190, बहुत सारी शॉप्स है। अगर किसी को पूछना है तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको शॉप नंबर सजेस्ट कर दूंगी 350 वाली जीन्स के लिए। साथ ही में शॉप नंबर 125 का बोर्ड आपने पीछे देखा था, उसके सामने 200 रुपए की टी शर्ट थी, जो कि आप देख चुके हो किस तरीके के कलर थे। शॉप नंबर 198 पे काफी अच्छा कलेक्शन अब भी विंटर का बचा हुआ है। अगर आपको अपने लिए विंटर की शॉपिंग करनी है 200 रुपीज की रेंज में या 250 रुपीज की रेंज में, आप काफी अच्छे स्वेटर खरीद सकते हो। आप सोच रहे हो गए आप कि हम तो ये स्वेटर 150 में भी ले सकते हैं, ऑफकोर्स आप ले सकते हो, बट जो ये प्राइस बोलते हैं ना, वो स्टार्टिंग प्राइस बोलते हैं 250 या 350, फिर आपको इनके साथ बार्गेनिंग करनी पड़ती है। बार्गेनिंग भी कैसे यार, आप ऐसे कर सकते हो कि भैया मैं तो इतने दूंगी, अगर ये ना माने आप स्वेटर छोड़ के चल पड़ो या अपने आप बुला लेते हैं, ठीक है मैडम ले जाओ इतने में ले जाओ। और जब आप 2-3 स्वेटर खरीद रहे होते हो ना एक ही जंग से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिलता है। आपने प्रिंट डिज़ाइन देख लिए होंगे किस तरीके की फंकी स्वेटर, ओवर साइज जो आपके स्वेटर्स रहते हैं उसमें कितने अच्छे ऑप्शन हैं। अगर आपको ऑफ सीजन में शॉपिंग करनी है तो ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि अब लोग स्टार्ट हो जाएंगे, स्पेशली दिल्ली NCR के आसपास के लोग, समर कलेक्शन खरीदना। तो जितने अच्छे पीस होंगे ना विंटर के, वो आपको UKU नजर आएंगे। तो आप अपने लिए अब ऑफ सीजन में शॉपिंग करोगे तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा, आपको जो चीजें हैं वो ज्यादा सस्ती देखने को मिलेगी। डिस्प्ले आपने देखा, आई होप आपको स्वेटर्स पसंद आए होंगे। इनके पास काफी ज्यादा ढेर होता है, जिसमें से आप अपने हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से अलग अलग डिजाइन भी इनको बोल सकती हूँ देखने के लिए। अब देखिए कितनी फंकी सी टी शर्ट है ना, काफी अच्छी लग रही है। अफकोर्स टी शर्ट इतनी अच्छी थी, शॉप नंबर 111 पे काफी अच्छा कलेक्शन आया होता है 200-200 रुपए की टी शर्ट का। जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट में बहुत सारी शॉप ऐसी जिन पे प्रॉपर टी शर्ट्स का ही कलेक्शन लगा हुआ है, तो अगर इनकेस आप किसी शॉप में एंट्री करते हो, आपको वहाँ पे टी शर्ट्स पसंद नहीं आती, कलर पसंद नहीं आती या फैब्रिक पसंद नहीं आता, तो डोंट वरी, छोड़ दो, नेक्स्ट रो में चले जाओ या नेक्स्ट लेन में चले जाओ, वहाँ पे आपको और अच्छी टी शर्ट्स मिलेंगी। टॉम एंड जेरी हर किसी को पसंद है, और काफ़ी टाइम से कार्टून वाली जो टी शर्ट है ना, काफ़ी ट्रेंड में है। तो अगर आपके पास ये कार्टून वाली प्रिंट की टी शर्ट अभी तक नहीं है, तो प्लीज़ एक टी शर्ट ज़रूर खरीदना, और थोड़ा फंकी कलर खरीदना जो आप रिप जींस के साथ टक करके पहन सको। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जिनसे आप एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बना सकते हो, पेयर अप करके चीज़ें पहन सकते हो, और 200-200 रुपए में आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी टी शर्ट मिल जाएंगी। पूरे मार्केट में कहीं पे भी आप घूमना, आपको नॉर्मली जो टी शर्ट नज़र आएंगे ना हर एक शॉप पे, वो 200 रुपए की नज़र आएंगी। तो और वो 200 रुपए भी फिक्स प्राइस रहता है, आई डोंट थिंक सो वो उस पे ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। तो टी शर्ट्स के मामले में आप बिल्कुल बार्गेनिंग मत करना, वो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। शॉप नंबर 198 के लिए काफ़ी कमेंट आ रहे थे, जिसको हम गोडाउन वाली शॉप भी बोलते हैं, लोग बोल रहे थे कि आप हमें दिखाना कि वहाँ पे अंदर जाके कैसा व्यू होता है। तो स्पेशली आप लोगों के लिए एक व्यू मैंने कैप्चर किया कि शॉप कैसी है, दिखने में कैसी है, कितने ऑप्शंस है, किस तरीके की वैरायटी है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आपको स्वेटर, टॉप, मिनी स्कर्ट, ड्रेसेस हर चीज़ मिलेगी, वो भी सिर्फ 200-250 रुपए में। शॉप नंबर 198 पे भी जीन्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, जैसा कि मैं बीच में बता रही थी, जिनका वेस्ट साइज 30 प्लस है, वो लोग तो स्पेशली इस तरीके की शॉप से ही जीन्स खरीदे ताकि वो ट्राई करके देख सके। अगर आपने जैगिंग लेगिंग पहने हैं ना, तो ये मना भी नहीं करते, आप जीन्स ऊपर से डाल के ट्राई भी कर सकते हो कि वो आपके साइज की है या नहीं है, बाकी ये फुल्ली मेजरमेंट के हिसाब से चीज़ें दे देते हैं। शॉप नंबर 111 इंसेंस मॉडनी के अपोजिट पड़ती है, उसी शॉप के बाहर जहाँ पे अंदर 200-200 की टी शर्ट मिल रही थी, बाहर की तरफ 100-100 रुपए के टॉप थे। ये वाली रिंग हमेशा लगी रहती है, आप कभी भी चले जाओ और आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिल जाती है, बट चीज़ें आपको छांटनी पड़ती है। दूसरा आज की वीडियो में जो मैं आपको टिप देने वाली हूँ, वो ये थी कि अगर आप लोगों को भीड़ भाड़ से थोड़ी सी एलर्जी है, थोड़ा सा आपको मतलब ऐसा लगता है कि यार भीड़ में नहीं जाना, मुझे थोड़ा शांति से शॉपिंग करनी है, तो आप जाइए वीकडेज में। मंडे को कम भीड़ रहती है, नॉर्मली सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है। रश होने के भी बहुत ज़्यादा रीजंस हैं कि सैटरडे संडे लोगों का ऑफ होता है, कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं उनका ऑफ होता है, वर्किंग वुमेन्स का ऑफ होता है, तो जो सारा क्राउड है ना दिल्ली का या दिल्ली के आसपास का,
वो सैटरडे संडे वाले दिन को ही चूज़ करते हैं शॉपिंग करने के लिए। जितना ज़्यादा क्राउड होता है नंबर ऑफ चांसेस कम हो जाते हैं अच्छा स्टफ मिलने के, क्योंकि जो पहले जाएगा वो पहले लेके आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको ध्यान में रख के प्लान करना है कि आप वीकडेज में ही जाएं, वीकेंड पे ना जाएं। क्लचर्स आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है इस तरीके के, और कलर्स देखिए 50-50 रुपीज़ की रेंज में, 30 रुपीज़ की रेंज में आपको काफ़ी अच्छे कलरफुल आपको क्लचर्स मिल जाएंगे। ट्रांसपेरेंट या फिर आपको मेटेलिक में, मैट में कुछ भी चाहिए है ना, तो आपको इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये वाला जो क्लचर्स था ये आपको मिल जाएंगे 100 रुपीज़ की रेंज में, 50 रुपीज़ की रेंज में। सबका प्राइस अलग अलग था क्योंकि सबके डिज़ाइन अलग थे। ये बटरफ्लाई वाले 50 रुपीज़ की रेंज में है। अब देखिए जीन्स कितनी सुंदर है 198 पे, रिप सिंपल प्लेन। अगर आपको शॉर्ट्स भी आपको प्लेन चाहिए या रिप चाहिए, आपको हर तरीके की वैरायटी 250 रुपये की रेंज में शॉर्ट्स की देखने को मिल जाएगी, 300 रुपये की रेंज में जीन्स की देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट्स पे आप बार्गेनिंग कर सकते हो, उनको तोड़ के 150 तक ला सकते हो। ड्रेसेस वगैरह भी इनके पास रहती है 300-350 रुपये की रेंज में। तो जो गोडाउन वाली शॉप है ना वो बहुत बड़ी है। अगर इस वाली शॉप में आप जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को, देखने को, और जो ट्रेंड में जो चीज़ें चल रही है ना वो आपको इस शॉप पे मिल जाएंगी। जीन्स वगैरह में तो बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है, आप अपने साइज़ के हिसाब से आराम से चीज़ें चेक करके ले सकते हो, और जीन्स बिल्कुल नई होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि सेकंड हैंड है या फिर किसी ने यूज़ करके दे रखी है। जब आप देखोगे ना 300-350 वाली जीन्स, आपको काफ़ी अच्छी ब्रांडेड जीन्स भी देखने को मिलेंगी।